हमारे हर काम में शरीक है, इसलिए इमरान खान बात बात पे झूठ बोलता है, इसीलिए नफरत है उससे। राना तैयब सतारा, मैं आपको अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। हमारी ये जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, इसकी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने रिसेंटली NA-157 को कवर किया था और उसके बाद जो है हमने PP-209 को कवर किया। ये जो PP-209 है ये खानेवाल का एक इलाका है बड़ा। 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं और कैंडिडेट हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से और PTM के उम्मीदवार, और इनके अपोजिट पार्टी में इस वक्त जो हैं बड़े फैसल खान नियाज़ी हैं। खान नियाज़ी वो हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से नून से इलेक्शन जीते हुए थे MPA का, और उन्होंने अपनी सीट को छोड़ के पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन किया था, और अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से जो है वो इस दफ़ा खड़े हो रहे हैं और यहाँ 16 अक्टूबर को इलेक्शन है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं और किसको वोट देने जा रहे हैं और जीतेगा कौन। मुकाबला सख्त है और हम इस वक्त ये कौन सी जगह पैंट पंद्रह लेक इलाका है बड़ा PP-209 का, वहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे आवाम के तासुरात देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त अदनान भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस दफ़ा किसको वोट देने जा रहे हैं और क्यों देने जा रहे हैं। जनाब इस दफ़ा किसको वोट दे रहे हैं? मेरा मुस्लिम लीग नून को वोट दे रहे हैं, हम शुरू से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को? क्या मुस्लिम लीग नून के नून ने कभी कोई काम करवाया आपका? मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ ने बहुत काम करवाए हैं इसी वजह से। अच्छा, इमरान खान बात बात पे झूठ बोलता है, इसीलिए नफरत है उससे। अच्छा जी, इनका कहना है कि जी इमरान खान बात बात पे झूठ बोलता है और इनको उनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और ये उन्हें वोट देंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल हैं सर आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आपके हलके में इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, जी। तो आप इस दफ़ा किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? फैसल खान को इंशाल्लाह। क्यों कर रहे हैं फैसल खान को, क्या काम किया उसने? क्योंकि फैसल खान एक अवामी लीडर है। अच्छा, हमारे दुख तकलीफ हमारे नज़दीक है, हमारे हर काम में शरीक है, इसलिए फैसल खान को सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फैसल खान वही है जिसने पहले नून लीग की टिकट छोड़ के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गया? जी जी जी। अच्छा सर, तो इस ये फैसल खान ने बेसिकली जो है इमरान खान के नज़रिए को अपनाया। हाँ जी हाँ जी। तो इस वजह से जो है वो हम फैसल खान की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फैसल खान की सपोर्ट कर रहे हैं। चलें जी, आपको क्या लगता है, जीत जाएगा आपको? इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर। चलें जी, आप जिससे भी पूछते हैं वो कहता है कि जी हमारा कैंडिडेट जीतेगा। अब तो ये 16 अक्टूबर को पता चलेगा कि यहाँ पे बल्ला चलता है या फिर शेर धाड़े मारता है या रोता है। इंशाल्लाह बल्ला जीतेगा। चलें जी, देख लेते हैं, बहुत शुक्रिया। और फिर रस्ते में ये एक जलसा हो रहा था मुस्लिम लीग नून का, और यहाँ पे कुछ देर तक जो है इफ्तिखार नज़ीर साहब जो कि MNA भी हैं बड़े और उनके भाई कैंडिडेट हैं बड़े, तो वो आ रहे थे, तो हमने इसको भी कवर किया था। और इसमें दो कैंडिडेट हैं बड़े, एक फैसल खान नियाज़ी जो कि PTA की तरफ से है, ये वो फैसल खान नियाज़ी है जो कि PMLN की तरफ से MPA था, लेकिन इसने जो है वो सीट को छोड़ा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन किया था। और अच्छा, इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब हैं बड़े। ये ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब के भाई हैं बड़े, और इफ्तिखार नज़ीर जो हैं वो MNA हैं बड़े। और इनका जो मुकाबला है वो इस वक्त काफ़ी सख्त है पड़ा, और जो हमारा एनालिसिस है, जो हमारा ओपिनियन है, हमने बहुत से लोगों के वहाँ के व्यूज़ लिए, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कैमरे के सामने भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पोजीशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग लग रही है वो मुस्लिम लीग नून की लग रही है, चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब की लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि वो सारे गाँव का एरिया है बड़ा, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज सच वोट नहीं है जो मुस्लिम लीग नून का है बड़ा, और वहाँ पे जो है पोजीशन इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बड़ी। और बाकी जो है वो 16 अक्टूबर को पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन हमारे ओपिनियन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे पोजीशन बेहतर है।